नाडोले राज्य के राजा लखन सिंह देवरा चौहान महाप्रतापी महाराणा चौहान के चाचा थे। लखन सिंह को संतान न होने के कारण वे चिंतित थे। सातवें शतक में आचार्य श्री रविप्रभ सूरी ने नाडोले राज्य में अपना चातुर्मास का व्रत किया। अपने मंत्री के आग्रह के कारण एक दिन लखन सिंह आचार्य जी के दर्शन करने गए और उनसे अपनी व्यथा उन्होंने कथन की। आचार्य जी ने कहा कि अगर वो हिंसा का त्याग कर सच्चे मन से जैन धर्म का पालन करे तो आचार्य जी उन्हें आशीर्वाद देंगे। राजा ने उनकी बात मानने का वचन दिया। तभी आचार्य जी ने उन्हें संतति प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। जब रानी गर्भवती हुई, लखन सिंह के मन में कृतज्ञ भाव आए। उन्होंने विचार किया, क्या कभी किसी के आशीर्वाद से बच्चे पैदा होते हैं भला? मेरे भाग्य में संतति का योग ही थोड़ी देर से था। उन्होंने आचार्य जी को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। उन्होंने फिर अपनी शपथ तोड़ते हुए हिंसा और शिकार शुरू की। मंत्री के याद दिलाने पर भी उन्होंने शपथ का पालन नहीं किया। 9 महीने बाद रानी ने एक लोध जितने आकार के सिर्फ मांस के गोले को जन्म दिया। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, परंतु अब देर हो चुकी। मंत्री ने फिर उन्हें आचार्य जी से मिल उनकी क्षमा मांगने की सलाह दी। आचार्य जी को ढूंढते ढूंढते राजा बरनागर यानी बड़ाना के जंगल पहुंचा। वहीं एक बरगद के नीचे ध्यान में बैठे हुए आचार्य जी दिखाई पड़े। लखन सिंह ने उनकी क्षमा मांगते हुए अपनी व्यथा उन्हें बताई। आखिर आचार्य जी ने राजा को उपाय के तौर पर बड़माता की प्रार्थना कर माता से ही मदद मांगने की विनती करने के लिए कहा। बड़माता ने आचार्य जी के विनती करने पर ही राजा को उस मांस के गोले को एक लाल कपड़े में बांध कर बरगद के पेड़ के पास लाने के लिए कहा। माता ने मंत्रों को पढ़ एक जलपात्र राजा को दिया और इस पानी को उस गोले पर छिड़कने के लिए कहा। एकाएक चमत्कार हुआ, उस मांस के गोले ने एक सुंदर बालक का रूप ले लिया। तभी से सब लोढ़ा गोत्र के लोग बड़माता को कुलदेवी के रूप में पूजने लगे। Thank you.